क्या फीलिंग रहती है, नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होता है? ये तो पहले तो बहुत डर लगता है कि पहले कभी डेड ह्यूमन बीइंग। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी। ये एक जर्नी उस तरफ भी कहीं ना कहीं आपको ले जाती है, और आपको क्या लगता है कि आप किस में आगे स्पेशलाइज करें? उसकी फोटोज खींचनी है ना, ऐसे कुछ काम करने जिससे उनकी रिस्पेक्ट, क्योंकि वही है जो हमें बहुत सारी चीज़ें एनाटॉमी में सिखाती है, और एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी कोई हॉबी आप भी परस्यू कर रहे हो? बहुत शॉपिंग करती हूँ। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। वेल, आज हमारे साथ नीट 2023 की गर्ल्स टॉपर है नव्या। नव्या, वेलकम। थैंक यू। अच्छा नव्या, ये बताइए, अभी नीट क्रैक करने के बाद ऑलमोस्ट एक साल हो गया है आपको लगभग पूरा, तो अभी तक की कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है। हाँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है फर्स्ट ईयर में। जैसे मैं पहले दिन गई थी तो फिर हमें इंटरेक्ट कराया गया था, पूरा कॉलेज टूर कराया गया था, हमें बताया गया था पेशेंट्स कैसे होते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर्स दिए गए हमें, हमने देखा कि कैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, और बहुत अच्छा भी लगता है कि हम फ्यूचर में यही काम करने वाले हैं। ओके, अभी हम उस फेज में जिसमें हम चीज़ें सीख रहे हैं, उसके बाद हम खुद डील करेंगे पेशेंट्स के साथ। ओके, तो नव्या, ऐसा भी है जब आप एक साल लगभग आपको हो जाता है, आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहते हो आगे, ये एक जर्नी उस तरफ भी कहीं ना कहीं आपको ले जाती है, और आपको क्या लगता है कि आप किस में आगे स्पेशलाइज करोगे? फर्स्ट ईयर में तो इतना नहीं पता चलता कि अभी आप आगे क्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाता है जब आप डील करते हैं एक एक सब्जेक्ट्स के साथ, तो फिर आपको पता चलता है कि आपको क्या लेना है। तो अभी तो मैंने पहले से जो डिसाइड किया हुआ है वो ऑन्कोलॉजी है, लेकिन आगे चल करके मैं क्या करूंगी उसमें थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है, क्या पता मुझे आगे चल के कोई और चीज पसंद है। तो उसमें मेरे जो हमारे क्लिनिकल एक्सपोजर्स होते हैं और हम देखते हैं कि पेशेंट्स कैसे होते हैं, मैं कैसे पेशेंट्स के साथ डील कर सकती हूँ, तो वो मुझे पता चल रहा है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो जर्नी बहुत बड़ी है। ओके, ये तो ओवरऑल एक हमने आपसे जस्ट ले लिया वन ईयर का। अगर बात करें स्टडी की, अलग अलग एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, तो उसका कैसा रहता है एक्सपोजर आपके मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल तो ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स ही है। तो जब हम पहली बार आए थे तो हम फर्स्ट ईयर में तो हमें एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, तो उसमें कैडेवर होता है, तो पहले दिन तो बहुत अलग सा फील होता है क्योंकि हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी होती है जो कि डेड होती है। हाँ, उस पर हमें डाइसेक्ट करना पड़ता है उसको। हाँ, तो हमें सिखाया जाता है कि कैसे डाइसेक्ट करते हैं। हाँ, तो एक एक करके, तो पहले तो बहुत डर लगता है कि पहले कभी डेड ह्यूमन बीइंग। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि क्या फीलिंग रहती है, नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होता है? फर्स्ट डे तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट था, पर बहुत लोगों को डर भी लगता है, पर मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट था, बल्कि मेरे बैचमेट्स में मैक्सिमम लोगों को एक्साइटमेंट ही था, कोई ज्यादा डर नहीं रहता। हाँ, बहुत एक्साइटेड थे, पर धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल फील करने लगे, ऐसा लगता था कि हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है वो। तो हमें फैमिली की तरह ट्रीट करना रहता है हर चीज को, हमें रिस्पेक्ट प्रॉपर देनी पड़ती है, हमें पता चलता है कि कोई ह्यूमन बीइंग है जो अपनी बॉडी को डोनेट करे ताकि हम पढ़ सके और फिर हम दूसरों को ट्रीट कर सके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उसको देनी पड़ती है, जो कि कुछ बच्चे नहीं देते, तो फिर हमें सिखाया जाता है कैसे उसे रिस्पेक्ट देनी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे हमें डील करना है कि कैडेवर कैसे, कैडेवर को प्रॉपर रिस्पेक्ट कैसे देनी है उसके सामने, ना उसकी फोटोज खींचनी है, ना ऐसे कुछ काम करना है जिससे उनकी रिस्पेक्ट, क्योंकि वही है जो हमें बहुत सारी चीजें एनाटॉमी में सिखाती है, और एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे चल के सर्जन बनना है तो। अच्छा ये बताइए नव्या, कि अभी आपने ऑलरेडी एक साल वहाँ पे आपको हो गया है, तो कोई ऐसे इवेंट्स है विच यू लुक फॉरवर्ड टू, और अभी कुछ ऐसे इवेंट्स है जो हो चुके हैं वो आपके लिए स्पेशल रहे हो, मेमोरेबल? मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल व्हाइट कोट सेरेमनी हमारी हुई थी अभी कुछ दिन पहले हुई है। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम जो थी वो हम लोग को व्हाइट कोट पहना रही थी, तो ऐसा प्रॉपर लग रहा था कि हम डॉक्टर बन गए। हल्के भी हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वो व्हाइट कोट सेरेमनी मेरी फेवरेट थी। उसके अलावा हमारे कॉलेज में और भी इवेंट्स होते रहते हैं, और अभी फ्यूचर में भी फेस्ट होंगे। और हमारा भी VPL भी हुआ था, तो बहुत सारी चीजें जो बहुत एक्साइटिंग है। और कॉलेज में बहुत फन लविंग चीजें भी, और भी चीजें हैं जो बहुत okay. तो आप पूरा प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो? हाँ, आपके दोस्त बन गए? हाँ। और हॉस्टल में रहते हो आप? हाँ। तो कैसा है, मतलब वहाँ पे भी फ्रेंड्स बन गए, क्या रूटीन रहता है पूरा दिन भर का क्लासेस और हॉस्टल में भी? हाँ, मतलब मंडे टू सैटरडे तो हमारी क्लासेस चलती है, तो वो 8 to 4 होती है। तो हमें 7 बजे के अराउंड उठना पड़ता है, फिर 4 या 5 तक तो हम फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हम इतना थक जाते हैं कि हम सो जाते हैं। उसके बाद फिर पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर पढ़ते हैं, मतलब कभी कुछ पढ़ते हैं, तो अगर कभी पढ़ने का मन नहीं हो तो हम घूम भी लेते हैं कहीं बाहर जा करके।
और मैक्सिमम पढ़ाई करने के बाद फिर 8 बजे तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा मोड़ा बातें करते हैं सब मिल करके एक दूसरे से, इधर उधर की बातें करने के बाद फिर हम फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी हमें होमवर्क मिलता है, कोई भी काम होता है, जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं वो कंप्लीशन करने रहते हैं, तो फिर वो कंप्लीट करते हैं. और भी बहुत सारी चीजें करने के बाद फिर हम फिर सो जाते हैं, फिर वही अगले दिन की तैयारी करते. अच्छा, और ये बताइए जब नीट की तैयारी कर रहे थे आप मोशन में, और उसके बाद नीट क्रैक कर लिया है ना, ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर भी बन गए, पढ़ाई का क्या सिनेरियो है? अभी पढ़ाई उतनी ही करनी पड़ती है, थोड़ा कम करनी पड़ती है, या बिल्कुल ही डिफरेंट है? पढ़ाई तो करनी पड़ती है, मेडिकल फील्ड में तो पढ़ाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारे फील्ड में तो कोई वो नहीं मिलेगा आपको. हाँ. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पढ़ना. हाँ. तो सबको पड़ता है. हाँ. हमारे फील्ड में क्योंकि मतलब हर दिन पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा लेंदी है. हुँ. अगर एनाटॉमी को कभी नहीं पढ़ा, एक दिन भी छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद वो इतनी बड़ी बर्डन बन जाती है कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती है. हुँ. और फिजियो समझने की चीज है तो फिजियोलॉजी तो हम समझ लेते हैं, पर बायोकेमिस्ट्री में बहुत कुछ है जो कि बस मगअप करना रहता है. हुँ. तो वो भी थोड़ा सा टफ टास्क है. उसके अलावा मतलब हाँ, पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन अब हम स्ट्रेस के साथ नहीं पढ़ते. पहले हम थोड़े से स्ट्रेस के साथ पढ़ते कि फ्यूचर भी डिसाइड करना है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि डॉक्टर का टाइटल तो मिल ही जाएगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं. ओके. आखिरी 2-3 सवाल, अभी नीट 2024 भी हो चुका है लगभग, तो बच्चे इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज जाने वाले हैं, तो वो किस माइंडसेट से जाए, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 1 ईयर की जर्नी हो गई है, तो क्या उनको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जाने? अभी जो पेपर होने के बाद जो गैप मिलने वाला है उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा मजे कर लेने चाहिए. हाँ. जो भी अपनी हॉबी है उसे फॉलो करना चाहिए, और एक हॉबी डिसाइड कर लेनी चाहिए. हाँ. फिर आप उसे कॉलेज में भी परस्यू कर सकते हो और वो हॉबी फॉलो कर सकते हो कॉलेज में भी. और उसके अलावा अभी तो जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई टेंशन नहीं लेनी है. उसके बाद फिर लिस्ट बनाने की कौन कौन से कॉलेज आपको फिलअप करने हैं, और फिर जो आपको कॉलेज मिलेगा उधर जाने की प्रिपरेशन करनी है, और ये माइंड सेट रखना है कि उधर भी पढ़ना है. Okay. पर अब रिलैक्स्ड होके पढ़ना है. ओके. मतलब टेंशन नहीं लेनी है, काम होके. और आपने जो हॉबी की बात की, आपने भी कोई हॉबी आप भी परस्यू कर रहे हो? हाँ, मतलब मेरी तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा हॉबी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे राइटिंग और वो रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं वो सब करती हूँ. उसके अलावा मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ. ओके. मुझे बहुत पसंद है. चलो, दैट्स अ गुड थिंग. आप हॉबी परस्यू करने के लिए कर रहे हो, तो वो गिल्ट भी नहीं रहता. अच्छा, ये बताइए नव्या, हॉस्टल में आपने बोला आप रहती हैं, 1 साल हो गया आप अलग रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, क्या एज ए इंडिविजुअल आप ग्रो करते हो, क्या क्या सीखते हो जब आप सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहे हो और स्टडी भी कर रहे हो साथ में? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. पहले मैं सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, तो मैं कभी बाहर ऐसे अकेले तो कभी गई नहीं. और जब मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया तो सारे काम मुझे खुद करने पड़ रहे थे, तो वो मेरे लिए पहले तो बहुत टफ टास्क था. मैं लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती थी स्टार्टिंग में. उसके बाद तो मैं सबसे बात करती हूँ, जो भी मुझे मिलता है मैं उससे बात करती हूँ. पहले मैं कुछ भी करने से पहले सोचती थी, अब मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ और मजे से करती हूँ. तो फिर बहुत ज्यादा कुछ ग्रोअप हुआ और मुझे पता चल चुका है कि कैसे डील करते हैं, थोड़ा सा बाहर कैसे रहते हैं. अभी अपनी जर्नी को आप पूरा इंजॉय कर रही हैं, प्रोसेस को? हाँ. ओके. और शेयर भी करती हैं, किससे शेयर करती हैं सबसे ज़्यादा जो भी चल रहा होता है कॉलेज में दिन भर? पेरेंट्स से शेयर करती हूँ मैं उनको रोज़ रात. ओके. फोन करके बताती हूँ कि मैंने दिन भर क्या किया है. डू दे फील प्राउड, कि उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनको भी अच्छा लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो उनको भी अच्छा लगता है. ओके. चलिए, एंड में इससे पहले कि हम आपको बोलें कि थैंक यू सो मच, हम आपसे जानना चाहेंगे जो बच्चे अभी नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए और आने वाले टाइम के लिए भी जो प्रेपरेशन करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जब आप किसी संस्थान में आते हैं या जब भी आप प्रेपरेशन के लिए जाते हैं, मन बना लेते हैं? तो पहले तो जो भी टॉपिक्स है जो कि पेपर में आने वाले हैं उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए. okay. उसके बाद उसको जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और उससे पहले भी टेस्ट सीरीज एक दो तो होनी चाहिए ताकि चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद आप पेपर दें. और जब आप टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो ये नहीं कि उसको विदाउट सीरियसनेस के साथ करें, विद फुल सीरियसनेस हमें वो फॉलो करना चाहिए. और क्योंकि ऐसे सोचना चाहिए कि ये पेपर है, आप बिल्कुल नीट के पेपर की तरह आप उसे डील कर रहे हैं, तो फिर आप पूरे सीरियसनेस के साथ देंगे और आप जो गलतियां कर रहे हैं उसे सीखें और एक नोटबुक बना लें, मिस्टेक बुक, उसमें आप देखिए कि आपने क्या गलतियां की हैं और चेक करें. okay. और फिर उसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. okay. ये करना चाहिए, तो वो आपको इन्हांस करने में, इम्प्रूव होने में मदद करता है. ओके. चलिए नव्या, यू आर डूइंग सो वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू.